कोरोना वायरस के क्या लक्षण हैं और कैसे बचाव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। जेम्स ग्लदर, स्वास्थ्य विज्ञान संवाददाता। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक कुल 33,000 लोगों की जानें जा चुकी है। इससे संक्रमण के मामले में बढ़कर 7 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। भारत में कोविड-19 के 1,000 से अधिक मामले पाए गए हैं, जिनमें 29 की मौतें हुई है। कोरोना वायरस और न फैले, इसके लिए पूरे देश में 21 दिन का लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। हम आपको यहां बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से बचने के लिए आप नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन पानी से अच्छे से धोते रहें। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीकी कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर ये विषाणुयुक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँख या नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंच जाता है। ऐसे खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार फेस पर मास्क प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है। आइए जानते हैं कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए और इसे फैलने से रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले, बार बार अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहें और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किए गए टिश्यू फेंक दें, अपने हाथ धोएं। अगर आपके पास टिश्यू नहीं है तो आप अपने बाजू का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ इस तरह। हाथ बिना धोए अपनी आँख, नाक, मुंह को न छुएं। बीमारी व्यक्ति के नज़दीक जाने से बचें।